दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा जर्मनी वर्सेस स्कॉटलैंड 11 के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं लास्ट T10 का रिजल्ट बताऊँ तो वहाँ पर भी हमने क्लीन स्वीप करा है, इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो यार इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में सबसे पहले गार्डन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, उनके बाद यहाँ पे एस मेंडी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब मेंडी के बारे में बात करें दोस्तों, तो मेंडी तो नंबर 8 पे बैटिंग करेंगे, जो कि यार थोड़ा सा या फिर आप बोल सकते हो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है। वहीं अगर हम सी गार्डन के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि इनका बैटिंग ऑर्डर किस नंबर पे रहेगा, तो ये नंबर 5 पे बैटिंग करते तो मुझे लगता है आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, इनके बैटिंग आने के चांस थोड़े हाई हो जाते हैं। बैटिंग में जे खान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। जमशेद खान ओपन करते हुए नजर आएंगे, अच्छी फॉर्म में चल रहे, लास्ट मैच में भी 29 करे और अभी तक इस टूर्नामेंट में 28 रन करे थे, 13 रन करे, यहाँ तक कि एक मैच में शतक भी लगाए, 107 रन भी इन्होंने करे, इंपॉर्टेंट हो जाते, इनको आप अपनी टीम में रख सकते हो। एल ब्राउन एक और हार्ड हिटर बैट्समैन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते, ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मैच में 52 रन करे, कुछ मैचेस में बीच में जो है जल्दी भी आउट हुए थे, जैसे 4 रन पे आउट हो गए, 12 रन पे आउट हो गए, 7 रन पे आउट हो गए। एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, अगर चल गए तो लंबी इनिंग्स खेल के देंगे, वरना जल्दी आउट हो जाते हैं। ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हो ड्रॉप करने का, बट स्मॉल लीग में तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यू अहमद के बारे में बात करें दोस्तों, यार इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप चाहो तो इनकी टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो रखोगे, तो ही ज़्यादा अच्छे ऑप्शन ये होने वाले हैं। बाकी जे भट्ट का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर इनके बारे में हम बात करें दोस्तों, किस नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट रन में वैसे 1 रन पे ही आउट हो गए थे, उससे पहले वाले मैच भी इतना कुछ रहा नहीं था और फिर 6 रन पे आउट हो गए, 20 रन पे आउट हो गए, कुछ ऐसा परफॉर्मेंस है। आप अहमद और भट्ट में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो जिसकी टीम पहले बैटिंग कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे इतना कोई खास ऑप्शन नहीं है जिनको आप अपनी टीम में लेके चल ही सकते हो। आर सिंह हो गए, इनका भी बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 पे हो जाता है और फॉर्म इतना कुछ खास रहा नहीं है, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। फिलहाल मेरे सिर्फ 2 बैट्समैन रहेंगे जो कि सेफ और बेस्ट ऑप्शन हो जाते। ऑलराउंडर में आपके पास काफ़ी ऑप्शन होने वाले, के साजिद का आपके पास सबसे पहले ऑप्शन हो जाता है। अगर इनके बारे में हम बात करें, नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, लास्ट मैच के बारे में भी बात करूं, 13 रन इन्होंने करे थे और 1 विकेट इन्होंने निकाले, बैटिंग बॉलिंग करके देते तो इंपॉर्टेंट हो जाते। अभी तक टूर्नामेंट में 27 रन करे थे, उस मैच में भी 1 विकेट निकाले, फिर 9 रन करे थे, उस मैच में भी 3 विकेट निकाले, तो फॉर्म अच्छा रहा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अफरीदी जूनियर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, एक और आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं जो कि ओपन करते हुए नज़र आने वाले हैं, लास्ट मैच में भी 43 रन करे, उससे पहले भी 12 रन इन्होंने करे, फिर 43 रन करे, 69 रन करे, साथ ही साथ में रीसेंट के सभी मैचेस में ऑलमोस्ट विकेट निकालते हुए आ रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैकब्राइड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, लास्ट मैच में भी 21 रन करे प्लस 1 विकेट निकाले, टूर्नामेंट अच्छा रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कर रहे हो और बैटिंग बॉलिंग करेंगे तो कैसे ना कैसे पॉइंट दे देंगे, तो इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ, आप भी इनको अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। मैकरेट के बारे में बात करें, ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मिनट में थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए 18 रन पे और अभी तक इस टूर्नामेंट में 2 अच्छी इनिंग्स खेली, 137 रन इन्होंने करे थे, 96 रन भी कर चुके हैं दोस्तों, तो अच्छे ऑप्शन हो जाते, इनको भी आप अपनी टीम में लेके चल सकते हो। बाकी
एफ़ खान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर एफ़ खान के बारे में हम बात करें, क्या परफॉर्मेंस रहेगा फैज़ खान का? लास्ट मैच में एक विकेट इन्होंने निकाला था, बॉलिंग नहीं कर पाए थे उससे पहले दो मैचेस पहले 0 रन करे, 14 रन करे, 39 रन इन्होंने करे, 7 रन करे। लास्ट 5-6 मैचेस देखोगे ना तो सिर्फ 2-3 विकेट निकाल पाए। तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो मैं इनको बोलूँगा आप अपनी टीम में रखिए, अदरवाइज ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकती हो। बाकी यहाँ पे एम अहमद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करें, लास्ट मिनट में वैसे 6 रन पे ही आउट हो गए थे दोस्तों, और उससे पहले अगर कुछ मैचेस देखोगे 55 रन इन्होंने करे, 66 रन करे, 38 रन करे। इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। बाकी यहाँ पे आर खान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो देखो यार, ओवर वगैरह कर सकते हैं तो ज़्यादा मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप 5 ऑलराउंडर रख सकते हो, और सेफ जाना चाहते हो तो एफ़ खान को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सी कैसल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। लास्ट मिनट में विकेट नहीं निकाल पाए, बट डेट में भी बॉलिंग करते तो विकेट निकाल के दे सकते। हालांकि लास्ट 5-6 T10 के मैचेस देखोगे तो सिर्फ 3-4 विकेट ही इन्होंने अभी तक निकाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पहले बॉलिंग करे टीम तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टीम पहले बैटिंग करती इनकी तो ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकते हो। ज़ादरन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। लास्ट मैच में काफ़ी रन दे दिए थे तो एक ही ओवर इनका आ पाया था। बाकी रीसेंट के 5 मैचेस देखोगे वहाँ पे 3 विकेट अभी तक ये निकाल पाए हैं। एनील का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, लास्ट में एक विकेट इन्होंने निकाला था, और रीसेंट के अगर 5-6 मैचेस देखोगे तो इन्होंने जो है अच्छा फॉर्म रहा है, 6 विकेट के समथिंग निकाले। मैं इस मैच में इनको अपनी टीम में रखना चाहूँगा एक ट्रंप प्लेयर के तौर पर दोस्तों। बाकी यहाँ पे अंदर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात करें तो यार, इनके जो है ना ओवर वगैरह कर सकते, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो रिस्की हो जाते। बाकी गफार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। लास्ट मिनट में 2 विकेट इन्होंने निकाल लिए थे, और रीसेंट के 5 मैचेस देखोगे तो वहाँ पे 4 विकेट के समथिंग निकाले। मलिक जाई का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों। लास्ट मिनट में एक ही ओवर करवा पाए थे और 1 विकेट निकाल लिए थे, बाकी रीसेंट के 5-6 मैचेस देखोगे तो वहाँ पे 5 विकेट के समथिंग निकाले। आप यहाँ पे ज़ादरन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, और अगर आप देखो रिस्क, अगर यहाँ पे स्कॉटलैंड 11 पहले बॉलिंग करे तो आप कैसल को रखिए, अदरवाइज आप अगर सेफ जाना चाहते हो तो एफ़ खान को भी रख सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, 2 आपके पास अच्छे ऑप्शन होने वाले। अफरीदी और साजिद के साथ आप जा सकते हैं, इनके अलावा तो यहाँ पे फिर आप जे खान को भी ट्राई करके चल सकते हैं। मेरे कैप्टन अफरीदी और साजिद वाइस कैप्टन रहेंगे। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रिव्यू। आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगता हो लाइक करना, यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।